हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है जादुई बड़ी छतरी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। सीता स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वो अपने माता पिता की हर बात मानती थी। वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी, लेकिन सीता के माता पिता उतने अमीर भी नहीं थे। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। दूसरी तरफ सीता की एक और दोस्त थी जिसका नाम था गीता। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। गीता के माँ बाप भी ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन गीता का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सीता जब भी किसी की मदद करती थी तो उसे भी रोकती थी, क्योंकि उसे लगता था दूसरों की मदद करना तो बेवजह होती है। एक दिन सीता और गीता दोनों स्कूल जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो रास्ता पार होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ट्रैफिक की वजह से वो रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे। तभी सीता गीता से बोलती है, गीता देखो तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रास्ता पार होने की कोशिश कर रही है, चलो हम जाके उनकी मदद करते हैं। हम क्यों मदद करें? वो कौन लगते हैं हमारा? हमें स्कूल जाना है, जल्दी से चलो, हम स्कूल के लिए लेट हो रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, तुम स्कूल चले जाओ, मैं उस बूढ़ी औरत की मदद करके आती हूँ। तुम्हारी जो मर्जी तुम करो, मुझे तो ये सब कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कह के गीता स्कूल चली जाती है। सीता उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अम्मा जी, आपको रास्ता पार होना है ना, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ता पार कर देती हूँ। ऐसा कह के वो बूढ़ी औरत को लेकर रास्ता पार करा देती है। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, मैं बहुत देर से रास्ता पार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम दिल की बहुत अच्छी हो, भगवान करे तुम्हारा भला हो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फिर सीता दौड़ के स्कूल पहुँच जाती है। वो स्कूल में जाने में थोड़ी सी लेट हो जाती है और इसके कारण उसके स्कूल का टीचर उसे डांट देती है। सीता क्या हुआ, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? आगे से अगर लेट हुई तो तुम्हें पनिशमेंट देके क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगी। ऐसा कहने के बाद गीता हंसते हुए सीता से बोलती है, तो क्या फायदा हुआ, मैं पहले ही कहा था कि आपने देखो स्कूल में आ जाओ, तुम्हें तो समझ सेवा करनी थी, इसीलिए तुम्हें डांट पड़ी। पता नहीं तुम्हारी ये जन सभा करने की कोशिश कब रहेगी। ऐसे ही दिन जा रही थी। सीता को किसी की बात का बुरा नहीं लगता था, वो दूसरों की मदद करती है। एक दिन सीता और गीता दोनों ही नदी किनारे जाती है पानी लाने के लिए। तभी वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक परी पानी पीने की कोशिश कर रही है। ये देखकर वो सीता उसके पास जाती है। परी जी, आप क्या कर रही हो, क्या आप पानी पीने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मैं आपको पानी पिला देती हूँ। ऐसा कह के सीता उस परी को पानी पिला देती है और परी वो पानी खुशी होके खाती है। और वो परी खुशी होके कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत देर से पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई ग्लास नहीं था, इसलिए मैं पानी पी नहीं पा रही थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों को ही कुछ देना चाहती हूँ। ये है एक छतरी और ये है एक सोने का मटका, इनमें से कोई भी एक तुम ले सकती हो। ये सुनने के बाद गीता बोलती है, अरे मैं तो ये सोने का मटका ही लेना चाहती हूँ। सीता तुम ये छतरी ले लेना, मुझे छतरी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कह के गीता वो सोने की मटकी ले लेती है।
कोई बात नहीं, मैं इस छतरी को ले लूंगी। परी जी, आपने हमें तोहफा के तौर पर जो भी दिया मुझे शुक्र है। देखो ये छतरी जादुई है, समय आने पर इसका जादू तुम्हें दिख जाएगा। ऐसा कह के परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों बहन वहाँ से चली जाते हैं। गीता मन ही मन सोचती है, अरे सीता तो कितनी बेवकूफ है, उसने कितनी आसानी से सिर्फ वो छतरी के लिए मन गई, और मेरे पास तो सोने की ये मटका आ गया है। अब मैं इस मटके की सोने को बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। और गीता ऐसे ही करती है, वो उस मटके की सारे सोने को बेच देती है और फिर अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीद लेती है और एक गाड़ी भी खरीद लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रास्ते में सीता फिर से पानी लाने जा रही थी, तभी गीता अपनी गाड़ी में आती है और उसे रोक कर बोलती है, अरे क्या हुआ, अब तक तुम्हारी छात्री ने कोई जादू नहीं दिखाई क्या? परी ने तो कहा था कि वो जादुई है। कोई बात नहीं, तुम कोशिश करते रहो। ये देखो मैंने मेरे लिए एक नया कार लिया है और मेरे बड़ा से एक घर भी है। तुम अभी तक यही से पानी लेते रहते हो, बेचारी दुख हुआ देख के। ऐसा कह के हंसते हुए गीता वहाँ से चली जाती है। सीता घर जाकर सोचती है, परी ने तो कहा था कि ये छतरी कमल दिखाएगी, लेकिन ये तो अब तक कुछ भी नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, इसका कोई न कोई जादू जरूर दिखेगा, मैं और इंतजार करती हूँ। अगले दिन गांव में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और उस बारिश में बाहर जाने के लिए सीता वो छतरी निकलती है। जैसे ही वो छतरी को लेकर बारिश में निकलती है, वैसे ही वो छतरी से सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सीता समझ जाती है कि ये छतरी जादुई है और आसमान से सोने के सिक्के निकलते हैं। उस गांव में थोड़ी ही देर में और भी ज्यादा पानी आने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। पूरा गांव पानी के नीचे चला जाने लगता है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर लोग रह सके, सब कुछ पानी से भीग जाती है। तब सीता अपने माँ बाबा को बोलती है, माँ बाबा आप दोनों भी मेरे छतरी के नीचे आ जाए, हम तीनों कहीं पर चलते हैं। जब उसका माँ बाबा उस छतरी के नीचे आते हैं, तभी वो छतरी और भी ज्यादा भारी हो जाती है। ये देखकर सीता बोलती है, ये छतरी तो फिर से भारी हो गई है, इसका मतलब ये छतरी की ये जादू क्षमता है। जितने लोग इसके अंदर आएंगे ये छतरी उतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये सोचकर सीता सारे गांव वालों को उसके छतरी के नीचे बुलाती है। सारे गांव वाले उसके छतरी के नीचे आ जाती है और वो छतरी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसमें से उतने ही तेजी से सोने के सिक्का निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ पूरे गांव में बाढ़ आने के कारण पानी के नीचे गीता का घर और गाड़ी दोनों ही बह जाते हैं और फिर गीता भी सीता के छतरी के नीचे आकर आश्रय लेती है और फिर बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे आज पता चल गया है कि ये पैसा, ये बड़ा घर, ये सब कुछ नहीं है। हमें हमेशा निःशर्त होकर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में हमें एक दूसरे की ही मदद की जरूरत होती है। गीता तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, कोई बात नहीं, अब हम सब लोग फिर से अपना गाँव इन सोने की सिक्के से जोड़ लेंगे, पहले ये बारिश को रुक जाने दो। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बारिश रुक जाती है और फिर वो सभी उस गाँव में सोने के सिक्के की मदद से फिर से घर बनाना शुरू करते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।